अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिल सके न्यू वीडियोस की अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाश हेयर केयर में। तो दोस्तों, मैं आज आपको दिखाने वाला एक चाइल्ड हेयर कट जो कि एक स्ट्रेट होगा और सामने हम लोग करेंगे स्ट्रेट शॉर्ट फ्रिंजेस, वो भी स्ट्रेट। तो इसके लिए ये जो आइकॉनिक का एक आता है रबर शीट, तो आप वो यूज़ कर सकते हो जब भी आप शॉर्ट हेयर कट करते हो, मोस्टली जब ब्लंड ग्रेजुएशन बॉब तब आप ये यूज़ कर सकते हो, जिससे कभी कभी आप डायरेक्ट भी उसके ऊपर लेके कट कर सकते हो ताकि हमारा जो एप्रन है वो डायरेक्ट सीजर से कट ना हो, इसलिए हम लोग वो यूज़ करते हैं। जिसके लिए आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं, जैसे आपको ईयर टू ईयर पार्टीशन करना है, हेयर अच्छे धुले होने चाहिए, बालों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं चाहिए, प्रॉपर हेयर वॉश करने के बाद आप ये हेयर कट कर सकते हो। जिसके लिए देखो, मैंने ईयर टू ईयर लिया, ईयर टू ईयर को हम लोग रेडियल सेक्शन भी बोलते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर ए लाइन सेक्शन लेंगे पीछे और उससे इनका रिक्वायरमेंट है क्लाइंट का उतना उसे कट करेंगे। तो आपको दिख रहा है गाइडलाइन मैंने क्रिएट कर लिया। अभी गाइडलाइन के बाद आपको क्या करना है, 0 डिग्री पे प्रॉपर कॉम करके सेक्शन देखना है और गाइडलाइन को फॉलो करना है। हम लोग अभी काम कर रहे हैं 0 डिग्री पे, तो सेम आपको भी जब भी आप हेयर कट करते हो तो 0 डिग्री पे आपको काम करना है, जैसे आप शॉर्ट हेयर कट करते हो। इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है, थोड़े ऊपर नीचे बाल रह जाते हैं, तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे और प्रॉपर कॉम नहीं करोगे और क्लाइंट का जो नेक पोजिशन है वो थोड़ा सा डाउन ज़रूर होना चाहिए, अगर वो डाउन नहीं है तो फिर आपका जो हेयर कट है वो गलत हो सकता है। और जो सेक्शन भी है, देखो मैं ए लाइन सेक्शन छोटे छोटे करके ले रहा हूँ, जिससे क्या हो रहा है, प्रॉपर मैं एक गाइड के ऊपर मेरे हेयर्स कट करके ले रहा हूँ, जिससे कि ऊपर नीचे नहीं हो रहा है सेक्शन बिल्कुल भी। आप देखो गाइडलाइन मिला और उसे मैंने कट कर दिया। तो सेम थिंग आपको दूसरे साइड भी करना है, प्रॉपर कॉम करना है छोटे छोटे सेक्शन लेके और आपको फिर फिनिशिंग देना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप प्रॉपर कॉम नहीं करते, बालों में ऑयल रह जाता है और उसके बाद क्या होता है ना, बाल पूरे उल्टे हो जाते हैं, आउटवर्ड टर्न करने लगते हैं और आपका हेयर कट जो है वो सीधा नहीं लगता है। क्योंकि ये स्ट्रेट और शॉर्ट हेयर कट में बहुत जन से गलती होती है, क्योंकि क्या है, लेयरिंग तो कोई भी कर लेता है, बट ये जो शॉर्ट हेयर कट होते हैं और जिससे भी स्ट्रेट हेयर कट होते हैं उसमें बहुत बार गलती हो जाती है, स्पेशली स्ट्रेट हेयर में बहुत गलती होती है। तो अगर आप ये मेथड फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, छोटे छोटे सेक्शन लेके आप काम कर सकते हो और एक अच्छा सा हेयर कट दे सकते हो। और मोस्टली छोटे बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं क्योंकि वो ठीक से बैठते नहीं है, ज़्यादा हिलते हैं, हमें 10 बार उनका नेक एडजस्ट करना पड़ता है। तो आप वो भी बात ध्यान देना कि जब भी आप चाइल्ड हेयर कट करते हो तो उनका नेक थोड़ा सा स्ट्रेट होना चाहिए या बेंड होना चाहिए, जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है वैसा होना चाहिए, और आपको उन्हें वैसे ही बोलना चाहिए कि आप ऐसा रखो। अदरवाइज़ आप जब भी हेयर कट करोगे तो बालों में क्या हो जाएगा, लेयर तैयार हो जाएगा। अगर आपको डिग्री थोड़ी चेंज होती है, आप 0 से थोड़ा ऊपर लेके कट करने लगते हो तो क्या होता है, नीचे बॉटम में एक लेयर आ जाता है, तो वो आना नहीं चाहिए आप जब भी ये हेयर कट करते हो। तो ये जो प्रोफेशनल तरीका है, ये जो मैं आपको वीडियो के ज़रिए बता रहा हूँ, आप जब भी हेयर कट करोगे स्पेशली चाइल्ड स्ट्रेट हेयर कट, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, प्रॉपर कॉम करना है, सेक्शन देखना है, गाइड देखनी है और उसे आपको कट कर देना है स्ट्रेट, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, एकदम ईजी वे से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ कि आपको ड्रायर के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ। हमारे पास 3 टाइप के ड्रायर है, उसके बारे में मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ बनाने का। अगर आप ड्रायर के ऊपर एक वीडियो चाहते हो तो ज़रूर मुझे बताओ कि कौन सा ड्रायर लेना चाहिए, क्योंकि आइकॉनिक में 3 अलग अलग ड्रायर है। तो आपके लिए, सलोन इंडस्ट्री के लिए या आप लोकल यूज़ के लिए, घर पे यूज़ के लिए आप कौन सा ड्रायर ले, तो उसका मैं वीडियो बनाऊँगा। अगर आप चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने आगे से सेक्शन लिया और जस्ट गाइडलाइन को पीछे वाले मैं आगे मर्ज कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा प्रॉपर कॉम करते हुए। अगर आप ये हाथ में नहीं बैठ रहे तो आप इसमें 2 भी डिवाइड कर सकते हो, बट मेरे हाथ में प्रॉपर बैठ रहा है, कान के ऊपर से भी मैं वो सेक्शन ले रहा हूँ और उसे कट कर रहा हूँ। बहुत बार क्या होता है ना, कान के वजह से आप नहीं, कान के ऊपर से नहीं लेते हो, आगे या पीछे लेते हो, तो उससे भी थोड़ा ऊपर नीचे होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो आप सिंपल वे से ये हेयर कट कर सकते हो। और भी कुछ वीडियो मैं बनाने वाला हूँ और आपके भी क्या रिक्वायरमेंट्स है ज़रूर बता देना, मैं उस हिसाब से आपके लिए एक नया वीडियो बनाऊँगा। तो ये सिंपल हेयर कट का वीडियो है, स्ट्रेट हेयर कट का वीडियो है, बट ये हेयर कट बहुत, ये जो होता है बहुत हेल्पफुल होगा आपको जब भी आप स्ट्रेट और शॉर्ट हेयर कट करते हो, और मोस्टली स्ट्रेट हेयर में बहुत बार प्रॉब्लम आता है जब भी आप हेयर कट करते हो। तो जैसे गाइडलाइन मैंने फॉलो किया और उसे कट कर दिया। तो दूसरे साइड भी हमें थोड़ा ऐसा ही टेक्निक यूज़ करना है आप जब भी कट करते हो। अभी क्लाइंट का हेड पोजिशन देख सकते हो आप, प्रॉपर मैंने उस साइड को उनका हेड कर दिया है, जिससे मुझे प्रॉपर मेरा 0 डिग्री का एंगल मिल जाता है
और मैं उसे ठीक तरह से कट कर पाता हूँ। अगर क्लाइंट सीधा रहेगा और आप कोशिश करना चाहोगे शोल्डर के ऊपर, तो नहीं हो पाता है। फिर आपसे क्या होता है, एक लेयर आ जाती है बालों में। तो आप जब भी ये हेयर कट करते हो तो याद रखो आपको 0 डिग्री पे ही लेना है और क्लाइंट का हेड पोजीशन थोड़ा सा तिरछा करना है, जिससे कि आपका जो हेयर कट है वो बिल्कुल सही हो, आपसे बिल्कुल भी गलती ना हो। तो आप देख सकते हो प्रॉपर मैं सेक्शन ले रहा हूँ और उसे मैं कट कर रहा हूँ स्ट्रेट। अभी ये थोड़ा बड़ा हो रहा था सेक्शन, तो मैं वापस थोड़ा सा सेक्शन लूँगा और उसे मैं कट करूँगा। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। तो मैं वहाँ पे छोटे छोटे वीडियो अभी देखो ये ट्रायंगल सेक्शन बनाया मैंने, मिडल पार्टीशन लेके, प्रोफाइल लाइन लेके, क्रॉस सेक्शन लिया ए लाइन जैसा ही। तो उनको शॉर्ट चाहिए तो मैं इसे तो आईब्रोज के ऊपर उनको चाहिए, तो मैं उस हिसाब से उनके हेयर्स स्ट्रेट कट कर रहा हूँ। इधर हो सके उतना थोड़ा सा वाटर स्प्रे करके लो आप और फिर ही कट करो। इसके वजह से क्या होगा, आपका प्रॉपर ऊपर नीचे नहीं जाएगा और आप स्किन को टच करके सीजर ले सकते हो, जिससे छोटे छोटे हेयर्स भी प्रॉपर कट हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप ड्रायर में करोगे तो वो ऊपर चले जाते हैं। तो आप देख सकते हो बस प्रॉपर लाइन देनी है सीधी और ये हमारा हेयर कट हो जाएगा। और उसके बाद मैं करूँगा ब्लो ड्राई। तो ये ब्लो ड्राई है, थोड़ा बहुत मैं इन में कर रहा हूँ ब्लो ड्राई। तो आप जब भी ब्लो ड्राई करोगे तो इन में करो, जिससे कि प्रॉब्लम ना आए और आप एक अच्छा लुक क्लाइंट को दे सकते हो और अच्छे उनके हेयर्स सेट कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है इनवर्ड उनके हेयर्स के ऊपर, और वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था लुक। तो दोस्तों ये देखो ये फाइनल लुक है। तो आपको ये कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और भी चीज़ों के लिए आपको क्या चीज़ें सीखनी है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और जो बिगिनर्स है स्पेशली उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आप जब भी मुझे बताओगे कि आपको क्या चीज़ें चाहिए तो मैं क्या करूँगा, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना अच्छा ये लग रहा है, और हो सके आपके जो भी दोस्त लोग हैं जो अभी सीख रहे हैं उनके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करना, उनको सीखने में आसानी होगी। तो दोस्तों देख सकते हो कितना अच्छा ये हेयर कट लग रहा है। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, मैं वहाँ पे छोटे छोटे वीडियो डालता रहता हूँ, तो आपको वो भी देखने मिलेंगे। और थोड़े ट्रांजेक्शन वीडियोज़ रहते हैं, थोड़े से अच्छे वीडियोज़ रहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको एक लुक देखने को मिलेगा कि मैं कैसे काम करता हूँ, मेरा डेली रूटीन क्या रहता है, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों आपको ये हेयर कट, मुझे होप ये लगता है कि आप समझ चुके होंगे और आपको ये हेयर कट का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक ज़रूर करना है, तो मुझे मालूम होता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। तो दोस्तों देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, प्रॉपर इन में आ रहा है और कितना सीधा प्रॉपर हम लोगों ने ये हेयर कट किया है। अगर ये आपको वीडियो लगा अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए अविनाश हेयर केयर। Thank you so much for watching my video. Thank you so much. Bye bye.